हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे प्लेजियस मर्स चैनल पर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही फॉर्म कडर जो आज 8/7/2020 से जो चालू हो गया, तो ये चालू हो गया तो मैं आपको किस तरह से आपको अप्लाई करना है, मैं इस वीडियो में सारे डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक हमारे प्लेजियस मर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं और लैपटॉप किसी जो भी ब्राउजर यूज करते हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना। तो मैं अपने क्रोम को खोलता हूँ। जैसे खोलेंगे दोस्तों, एक यहाँ पे आपको सर्च कर OFC जो कि बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है, OFSS पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने खोल के आ जाएंगे इस तरह से। मैं आपको डेस्कटॉप साइट करके दिखला दे रहा हूँ। तो इस तरह से एक नया इंटरफेस खुल के आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल में नामांकन के लिए फॉर्म, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अगर इसके बारे में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस पर अवश्य पड़े, तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं आपको सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल में नामांकन के लिए फॉर्म यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नया इंटरफेस खुल के इस तरह से आ जाएंगे। तो इस तरह से खुलने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाना है। जैसे इस तरह से भरने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं OFSS के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने हैं तो मुख्य निर्देश, तो इसको आपको मुख्य निर्देश तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। आप इस वीडियो को पॉज करके ये पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन अप्लाई करें। पूरा प्रोसेस में दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद ही आप को हम मैं इन ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया हूँ एवं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ पे यहाँ पे टिक करना है। जैसे टिक करने के बाद दोस्तों आपको आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक करें, जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों एक नया इंटरफेस खोल के देख आ गया। आप देख सकते कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इंटरमीडिएट फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्स सेशन 2020-22 के लिए यह फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप ने किस शिक्षा बोर्ड से 10वीं परीक्षा उतरने की है, एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष एवं रोल नंबर भरना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, यहाँ पे BSEB बिहार लिखा हुआ है, यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ सेलेक्शन आपने किस साल परीक्षा उतरने की है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर 2020 में उतरने के हैं तो 2020 देना है और एनुअल तो वार्षिक एनुअल है, मतलब लगातार पूरक, मतलब अगर आप पिछले साल ही किए हैं तो यहाँ पूरक में टिक लगाना है। तो यहाँ पे 2020 मतलब वार्षिक परीक्षा, आपको यहाँ पे अपना जन्मतिथि डालना है। तो मैं जन्मतिथि डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अपना यहाँ पे जन्मतिथि मंथ और साल जो है डालने के बाद यहाँ पे अपना स्कूल का जो भी आपका स्कूल का रोल कोड है, रोल कोड को डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। इतना चीज़ डालने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप सारा चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो जैसे क्लिक किया दोस्तों आप देखें आपका नाम, पिता का नाम, आपका फादर्स का नाम, टोटल चीज़ अपने आप फिलअप हो जाएगा। आप यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो आप लगा सकते हैं। JPG, PNG फाइल ओनली सपोर्ट है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद आपको आपका यहाँ टोटल मार्क्स की भी दिखा रहा है, आपका टोटल कितना मार्क्स आया, आपको भरने की कोई जरूरत नहीं, आप कौन स्कूल से पास किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्कूल का भी नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। एड्रेस ऑफ फॉर स्कूल, तो स्कूल यहाँ पे स्कूल का एड्रेस देना है। आपका स्कूल कहाँ है तो सबनपुर, जो भी आपका स्कूल अपना स्कूल का एड्रेस। तो मैं अपने स्कूल का पता यहाँ पे डाल दिया हूँ। आपने किस साल विद्यालय में नामांकन लिया था, तो जिस साल आप लिए थे नामांकन उस साल में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो 2018
जो भी आप जिस समय लिए थे वो पे यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ जर्नल आप मेल यहाँ पे सही से आप देख लीजिए। धर्म भरना अनिवार्य नहीं है, इसको भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। रक्त समूह भरना अनिवार्य नहीं है, इसको भी भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। इस दोनों को आप यहाँ मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी हैं आप हिंदू, मातृभाषा आपका क्या है, हिंदी, संस्कृत, जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए ले चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य बिहार, आप अपना ज़िला सेलेक्ट यहाँ पे करना है, आपका जो भी ज़िला है तो यहाँ पे ज़िला। उसके बाद ब्लॉक, अपना ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक है यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक हो, मेरा कहलगाँव तो कहलगाँव। उसके बाद यहाँ पे अपनी मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना आवश्यक लिखे। अब यहाँ पूरा अपना डिटेल, अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस और थाना तक यहाँ छोड़ एक बार, और यहाँ पे अपना पिन कोड, तो मैं सारा डिटेल भर देता हूँ फटाफट। तो इस तरह से आपको अपना एड्रेस, पिन कोड, सारा चीज़ डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको डालना जो कि चालू हो आपका ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टडी कोड ऑप्शनल है, यहाँ पे भरना अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ एक ईमेल आईडी, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल चुका हूँ। आपको डालने के बाद यहाँ पे सारा चीज़ आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस जाति के हैं, जनरल, एससी, एसटी या बीसी या अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी। तो मैं यहाँ पे ईबीसी हूँ तो ईबीसी पे यहाँ पे टिक लगा, आप बीसी है तो यहाँ पे बीसी पे भी लगा सकते हैं, तो मैं ईबीसी पे हूँ यहाँ। क्या दिव्यांग है तो यहाँ पे नो, यस है तो यस पे, नहीं तो नहीं। इसके स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे ले चलना है, आप यहाँ सारा चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटर हेयर फॉर फर्स्ट ऑप्शन, अपना पहला विकल्प चुने, तो जिस जिले के कॉलेज में दाखिल लेना चाहते हैं उसका चुनाव करें, तो किस जिले के जो किस कॉलेज में नामांकन सबसे पहले करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी है आपको ज़िला का नाम देना है और उसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पे देना है, आपको अपने कॉलेज का यहाँ पे नाम डाल देना है जो भी कॉलेज है। तो मैं फटाफट कम से कम आपको पाँच, इसमें इस तरह से आपको पाँच बार आपको पाँच कॉलेज कम से कम चुना होगा और अधिक से अधिक आप 20 चुन सकते हैं। तो मैं सारा पाँच को कॉलेज डालता हूँ और यहाँ पे आपको किस कौन से विषय में अप्लाई लेना चाहते हैं, यहाँ कॉलेज का नाम डालने के बाद इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये कॉलेज, और यहाँ विषय पे फिर करना क्या आर्ट्स या कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस क्या लेना आप चाहते हैं, तो आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। अगर साइंस आप लेना चाहते हैं तो साइंस पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकें क्या आप अन्य कॉलेज में और विकल्प भरना चाहते हैं, तो अगर एक के भरना इसके अलावा आपको पांच को चुनना है तो यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ सेकेंड ऑप्शन, दूसरा विकल्प, यहाँ पे दूसरा विकल्प चुनना है। फिर उसी तरह यहाँ पे अपना कॉल डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर यहाँ कॉलेज, जो भी आप कॉलेज अलग अलग पाँच कॉलेज का यहाँ नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ अलग अलग विषय भी आप साइंस भी दे सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर वही दोहराना है आपको, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, फिर कॉलेज, दूसरा कोई भी कॉलेज जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे संख्या जिस साइंस या आर्ट्स जो भी लेना चाहते हैं, फिर मैं पाँचवा विकल्प, फिर से उसी तरह पूरा आपको पाँच बार कम से कम पाँच कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पाँच कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मैं यह सत्यापित यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखें आवेदन शुल्क 300 रुपये जमा करने है, तो यहाँ पे क्लिक करें। आपको सारा चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ पे शुल्क पे क्लिक करना है, जैसे शुल्क पे करेंगे प्लीज़ अपलोड फोटोज, यहाँ पे मैं दोस्तों अभी अपलोड फ़ोटो नहीं किया हूँ, तो अपलोड फ़ोटो करने के बाद वहाँ पे क्लिक होगा, तो मैं अपलोड करके फ़ोटो आपको दिखला रहा हूँ। आपको यहाँ पे दोस्तों आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करना है, जैसे चॉइस फाइल करेंगे आपका जहाँ भी फ़ोटो है वहाँ पे आपको जाकर, तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर चुका हूँ। अब आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे नीचे आना है,
एक बार चेक कर लेना सही हर जगह सही से सब कुछ डाला हुआ तो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य जो छूटा हुआ तो यहाँ पर आप बिहार है तो बिहार के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है जो भी डिस्ट्रिक्ट का है और यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखना है तो आप जिस ब्लॉक के यहाँ पर लिखने हैं स्क्रॉल करते एक बार पूरी तरह से इस फॉर्म को चेकअप कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पे जाना है दोस्तों। यहाँ पे एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और अभी चार ही दोस्तों चुना गया, कम से कम आपको पांच चुनना है कॉलेज तो अभी और एक कॉलेज के तो पांच कॉलेज अगर आप अधिकतम जितना 20 चॉइस कर सकते हैं जितना आप चाहें उतना आप कॉलेज का नाम चुन सकते हैं। यहाँ पे कम से कम आपको पांच चुनना अनिवार्य है। स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ टिक लगाना उसके बाद यहाँ आवेदन शुल्क 300 रुपया जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लीज सिलेक्ट द 10 ऑप्शन। तो दोस्तों अभी तक आप यहाँ पे कह रहा है कि 10 ऑप्शन को चुनना है, अभी 7 ऑप्शन ही हुआ है, फिर से आपको 10 कॉलेज कम से कम चॉइस करना है तो फटाफट मैं 10 कॉलेज चॉइस कर देता हूँ। तो मैं 10 कॉलेज को चुन चुका हूँ। यहाँ पर पेमेंट क्लिप पर क्लिक करेंगे जैसे प्लीज सिलेक्ट मिनिमम 10 ऑप्शन तो यहाँ पर 10 ऑप्शन बताए कम से कम आपको 10 चॉइस करना। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो मैं 10 कॉलेज का नाम चुन या अगर इसमें से आपको डाउट बुझा रहा है तो आप यहाँ पर जो यहाँ पे क्या लिखा रहा है डिलीट यहाँ पर करेंगे तो उस कॉलेज डिलीट भी हो सकता है अभी तो आप बढ़िया से इसको देख लेने के बाद ही पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट ऑन योर फॉन्ट तो यस करना है दोस्तों आपको। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख से मैक्सिमम मार्क्स 500 टोटल सिक्योर मार्क्स 500 आपका पूरा यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। आपको देखने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, जैसे ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से एक नया पेज खुलकर आने लगेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं आपका सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है। आपको यहाँ पेमेंट कंफर्म पे डिलीट करना ओके करना है तो यहाँ कंफर्म फिर यहाँ पे ओके करना है फिर यहाँ पे ओके करना है एक नया पेज खुल के आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों आप जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक ओटीपी आया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर योर ओटीपी कोड। आपको यहाँ पे अपना ओटीपी डालना है जैसे कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पे भेज चुका तो मेरे मोबाइल और ईमेल आईडी पे यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पे जगह पे आ चुका है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके आपको यहाँ पे सक्सेसफुल भुगतान के विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है कौन से भुगतान पे SBI ईपीए करना चाहते हैं या SAP पैसा करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस पे जाना है, उसके बाद यह एक नया पेज यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जिससे भी कटाना चाहते हैं आप यहाँ से कटा सकते हैं। कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट ईयर्स सीसी नंबर टोटल डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना कटने वाला आपको टोटल सारा पैसा। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर लिखें। अगर किसी तरह का आपको फॉर्म अप्लाई करने में परेशानी हो रहा है तो हमें कमेंट में लिखें, हम उन परेशानियों को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने घर से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकें। बात तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो अगर नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।